Hello dear students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 6. This is the series of Oxford में Enjoying Mathematics of class 6. See students, मैंने इस चैनल पे मैथ्स के ऑक्सफोर्ड बुक के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं. उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगेगा वो जरूर देख लेना, ठीक है. टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 13B विच इज बेस्ड ऑन नेट ऑफ सॉलिड्स. तो उसके पहले हम नेट क्या होते हैं वो सीखेंगे. तो जैसे कि अब हम बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. अभी हमें ये बॉक्स बनाना है, तो ये बॉक्स बनाने के लिए आपको उस कार्डबोर्ड को कट करना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर में. जैसे कि ये है, देखो ये बॉक्स बनाने के लिए इसे ऐसे कट करना पड़ा, तो इसे बोलते हैं नेट. मतलब बॉक्स ओपन करने के बाद जो अनफोल्डेड शेप होता है, ठीक, तो द ड्रॉइंग ऑफ एन अनफोल्डेड शेप इज कॉल्ड नेट. मतलब इसे, ठीक है, द ड्रॉइंग ऑफ अनफोल्डेड शेप इज कॉल्ड नेट. नेट क्या होता है आपको समझ में आया. सो अभी ये जो बॉक्स है, क्यूब है, तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6. मतलब इसमें कितने स्क्वायर है, 6. ओके, अगर 6 स्क्वायर नहीं होगे तो आपका नेट प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, एक साइड से वो ओपन रहेगा, ठीक है. जैसे कि ये नेट देखो, ओके, दिस कैन नॉट फॉर्म अ क्यूब, सो इट इज नॉट द नेट ऑफ क्यूब. अगर इसे आप ये करना चाहोगे, बॉक्स बनाना चाहोगे, तो इससे बॉक्स नहीं बनेगा. इसका मतलब ये क्यूब का नेट नहीं है. समझ में आ रहा है आपको. नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, पॉलीहेड्रॉन. पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या. पॉलीहेड्रॉन इज अ सॉलिड शेप विथ फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस, फेसेस इन द शेप ऑफ पॉलीगोन. पॉलीगोन मतलब क्या है, देखो, जो स्ट्रेट लाइन से बना होता है और जो फिगर क्लोज होती है, ठीक है. तो ये सारे क्लोज फिगर हैं, तो उसके जो फेसेस होते हैं वो पॉलीगोनल शेप होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा. इट इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फेसेस. अ पॉलीहेड्रॉन विथ 4 फेसेस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन. अगर जिसमें 4 फेसेस होते हैं वो क्या है, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है. सो ये सारे टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है. देखो ना इसमें कितने, देखो 1, उसके अपोजिट की साइड 2, 3, और जो बेस है वो 4. तो ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन है. तो ये उसकी लाइन डायग्राम है, लाइन से आपको पता चलता है. और ये उसका नेट है, ओपन किया है, बंद करने के बाद ये ऐसे दिखेगा. समझ में आ रहा है आपको. अब पेंटाहेड्रॉन हैज 5 पॉलीगोनल फेसेस. अ स्क्वायर पिरामिड एंड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ पेंटाहेड्रॉन. जो स्क्वायर पिरामिड एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है वो पेंटाहेड्रॉन होता है, ठीक है. और हेक्साहेड्रॉन हैज 6 पॉलीगोनल फेसेस. एंड जो कोन्स, सिलेंडर, स्पीयर्स होते हैं वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कर्व सरफेस होता है, ओके. और पॉलीहेड्रॉन मतलब स्ट्रेट सरफेस होना चाहिए. रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन हैज ऑल इट्स पॉलीगोनल सरफेसेस आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज. जैसे कि क्यूब है, क्योंकि उसमें स्क्वायर में कैसे होते हैं, सारे साइड सारे ये सेम होते हैं. अ क्यूब इज अ रेगुलर हेक्साहेड्रॉन. क्यूब क्या है, रेगुलर हेक्साहेड्रॉन है. एक्सरसाइज 13B सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ नेट ऑफ अ क्यूब. इसमें से कौन सा नेट क्यूब का है, मतलब किससे आप क्यूब बना सकते हो. तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, अंदाज लगा के, आप उसको थोड़ा सा मेंटली फोल्ड करके देखो, ये हो सकता है. जैसे इसको मैंने किया, देखो ये दो वाले ऐसे हो जाएंगे और ये ऐसे, मतलब आपको इस वाली साइड मिलेगी, लेकिन ऊपर वाला जो फेस है वो ओपन रहेगा. मतलब इससे नेट नहीं बन सकता, सॉरी क्यूब नहीं बन सकता. बी से बन सकता है, इसको मैं टिक करती हूँ, ठीक है. ये आप अगर ऐसे पेपर पे ड्रॉ करके देखोगे, फोल्ड करके, तो आपको और इजी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही बोला है, देयर आर 6 डिफरेंट नेट्स गिवन हियर दैट कैन फॉर्म द नेट ऑफ अ क्यूब. दे आर गिवन बिलो, ड्रॉ दिस नेट्स ऑन अ पेपर, कट देम आउट एंड मेक क्यूब्स. तो ये टोटली आपको होमवर्क ही है. जैसे कि मैंने अभी आपको ये ड्रॉ करके दिखाया, देखो, तो इसको आपको ऐसे ही कट करना है, सारे अलग अलग शेप में है ना. देखो ऐसे फोल्ड करके देखना है. अभी मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया, इसको यहाँ से किया, फिर एक फोल्ड यहाँ पे होगा, ये देखो ऐसे,
फिर ये जो सेंटर वाला है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो लास्ट वाला बचा है वो ऐसे, तो बन गया ना पूरा क्यूब। तो ऐसे आपको क्या करना है, हर एक जो ये दिया है ड्रॉ करना है डिजाइंस नेट के, और आपको ऐसे फोल्ड करके देखना है और बताना है कि नेट बन रहा है या नहीं। ओके, सो हियर आवर एक्सरसाइज 13B इज ओवर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व चैप्टर चेकअप ऑफ दिस लेसन। थैंक यू सो मच।